चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 500 टर्न्स और इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है इस परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ठीक है करेक्ट है, और फील्ड रिड्यूस टू जीरो, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अब जीरो हो गई, कितने सेकंड में, कितने टाइम में, 0.1 सेकंड में इंड्यूस ईएमएफ। तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, माइनस डी फाइव बी बाय डीटी होता है। अगर एन टर्न्स हैं तो क्या होगा, ईएमएफ वैल्यू माइनस एन डी फाइव बी बाय डीटी, ठीक है। फाइव बी की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू ए कॉस फाइव या कॉस थीटा, इसको कह दो कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन बी एंड ए के बीच का एंगल है, करेक्ट है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, जो कॉइल है, कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर जीरो डिग्री होगा, करेक्ट है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ईएमएफ का इक्वेशन अगर मैं बात करूं, माइनस एन फाइव बी की वैल्यू क्या होगी, फाइव बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5B की वैल्यू ऐसे लिख देता हूं मैं, 5B की वैल्यू ऐसे लिख देता हूं, B2 माइनस B1 इंटू A cos 0 डिग्री, ये cos थीटा, cos थीटा। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन में, तो ये मैं क्या लिखूंगा, इसको इसको फिर से लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, EMF इज इक्वल टू माइनस N, ये होगा B2 माइनस B1 इंटू A इंटू कॉस थीटा अपॉन डेल्टा T की वैल्यू, dt की वैल्यू, T2 माइनस T1, कितना टाइम गुजर चुका है, फाइनल टाइम है 0.1 सेकेंड, इनिशियल टाइम था 0, तो dt की वैल्यू क्या हो गई, dt की वैल्यू 0.1 हो गई, ये वैल्यू यहां रख दो 0.1। अब वैल्यू पुट करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, B2 की वैल्यू कितनी है, जीरो हो गई है, शुरू में कितनी थी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंटू एरिया कितना है 10 to the power 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कितना होगा 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर, इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 500 इंटू 0.1 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 0.1, ये कट गया इधर, ये आया 5 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू 5 वोल्ट आ रही है, करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।